नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बातें कर रहे हैं न्यूरोपैथी पे। न्यूरोपैथी पे मैंने आपको रीजन बताने की कोशिश कर रही हूँ। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो सारे रीजंस हमें मिल जाते हैं कि किसी भी रीजन से हमारे जो नर्व्स हैं उन पे जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी उसी नर्व में जो जिस पार्ट को वो सप्लाई देती है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो हम उस पार्ट की न्यूरोपैथी कह देते हैं। डायबिटिक होना मेजर रीजन आ जाता है न्यूरोपैथी का। बहुत बार इन्फेक्शंस हो जाती हैं, विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, या ब्रेन की हमें कोई दिक्कत हो जाती है, तो इन सब रीजंस के कारण, या कई बार हो जाता है कि हमें एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में हमारी कोई नर्व प्रेस हो जाती है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि गिर गए थे तो गिरने के बाद हमारी उस पार्ट में सेंसेशन नहीं है, तो कोई भी रीजन हो सकता है न्यूरोपैथी का। तो मैंने ये देखा है कि नेट पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो ये बताते हैं कि हाथ पैर में सूनापन है, ये है वो है, तो उन्होंने भी वहां रीजंस बताए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आयुर्वेद के हिसाब से और अलोंग विद एलोपैथी कि वो रीजन बनते कैसे हैं। अगर हमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है या छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है, तो हाउ दे लीड टू न्यूरोपैथी, वो आगे आगे उतरो तो हमें न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, क्यों हमारी नसें प्रॉब्लम में आ जाती हैं, क्यों हमारे ये सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार टाइम के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इंसान अपना काम करने में भी डिपेंडेंट हो जाता है, उसमें भी वो लाचार हो जाता है, तो आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा स्वीयर रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मिजरेबल हमारा स्टेटस हो जाता है, पैरों में हमें चप्पल डाली है नहीं पता चलता, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि कोई भी रीजन है, चाहे वो हमारा एसिडिटी है, वो चाहे हमारा गलत आज की डेट में खाना पीना है। आज की डेट में ये ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। तो पिछले वीडियोज में मैंने बताया कि वात का प्रकोप है, जितनी भी न्यूरोपैथी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नस का सूखना या उसकी सप्लाई में कमी होना तो नेचुरली, या मसल्स का सूखना, ये सारी चीजें वात के कारण होती हैं। वात को हम लोग न्यूरोपैथी का रीजन मानते हैं। तो ये कैसे होता है, ये मैं शुरू से समझा रही हूँ आप लोगों को, कि मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया कि कैसे हम लोग बे टाइम पे जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना कैसे, एक तो अगर उसका ओरिजिनल हम लोग जाते हैं कि प्रोसेस हम समझने की कोशिश करें कि हम लोग खाना ऐसे खाते हैं और वो ऐसे एसिमिलेट होता है, तो जब हम उसको डिस्टर्ब टाइम पे, हमें भूख नहीं है, होता क्या है, हमें खाना देख के हमारे जो माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे सेट हुई है, खाना देखते ही हमारे मुंह में लार उत्पत्ति होती है। हमारी जो वेगस नर्व है वो हमारे ब्रेन को बताती है कि मुझे अब खाना खाना है, तो मेरे ये चीजें मुझे अब चाहिए उसको सिमुलेट करने के लिए, तो हमारे मुंह में लार की उत्पत्ति होती है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, और वो जो हमारा मुंह में सलाइवा होता है वो उसकी एसिमिलेशन में हमारी हेल्प करता है। हम लोग जीभ के साथ खाना अलट पलट करते हैं, मुंह में खाना डालते हैं, अल्टा पलटी उसकी होती है, वो एक बोलस का रूप है, हमारी दांत उसको च्यू करते हैं, वो बोलस का रूप ले लेता है, उसके बाद वो हमारी इसोफेगस से वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस कहाँ पे आ जाती है, कई बार कि हमारा ध्यान नहीं होता खाने में, तो वहां पे डिफिकल्टीज होनी शुरू होती हैं। तो प्रिकॉशंस हम लोग भाग में ले लेते हैं, तो पहले हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं कि आज की डेट में हमें दिक्कत होती क्यों है। तो होता क्या है, ये जो बोलस बन जाता है मुंह में, हम लोग जब उसको चबाते हैं तो हम उसको अंदर निगलते हैं, फिर जो भी हम लोग फूड की एक जो ग्राही हम लोग बोलते हैं उसको लेते हैं, चबाते हैं, और वो जो एक बोलस बन जाता है, एक गोला सा बन जाता है, उसको हम स्वेलो करते हैं, तो वो देखा है हमने इस पार्ट से वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल या इसोफेगस बोलते हैं, जिसमें ये फूड आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं जो अपनी मूवमेंट से, जो नीचे की ओर मूवमेंट होती है और उनकी सर्कुलर मूवमेंट होती है, जिससे वो धीरे धीरे खाना नीचे जाता जाता है, तो सीधा ये स्टमक में आ जाता है।
तो स्टमक भी क्या होता है, दिस इज द कार्डियक एंड जो हमारे दिल के पास होता है, वो कार्डियक एंड हम उसको बोलते हैं, जो दूसरा इंटेस्टाइन में होता है उसको हम लोग पाइलोरिक एंड बोलते हैं स्टमक का। तो ये जो कार्डियक एंड में यहाँ पे खाना जब आता है स्टमक में, तो स्टमक के साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड पैदा होता है स्टमक में, जिसमें HCl होता है और जिसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड होते हैं। तो ये पोटेशियम और सोडियम जो मिलके हमारे खाने को एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं और उसको जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको बेटर एसिमिलेट करने की हेल्प कर देते हैं। अब होता क्या है, जब हम लोग ज्यादा खाना, रेगुलर ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, हार्ट इस पे ये पूरा पूरा फिल हो जाता है स्टमक। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पूरा स्टमक जब फिल हो जाएगा, तो इसमें जैसे हम लोग मिक्सी में भी कोई चीज डालते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं हम लोग, ताकि वो मिक्सी घूम सके। अगर हम लोग खाना बहुत पूरा भर के पेट खा लेते हैं तो वो खाना हमें यहाँ पे उसकी मूवमेंट, जो ऐसे मूवमेंट्स हैं उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो वो खाने को धीरे 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 एसिमिलेट कर पाता है स्टमक। तो ये एक रीजन बन जाता है जो आगे जाके एसिडिटी का रीजन, जब यहाँ पे खाना बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को एफर्ट करना पड़ेगा उतना ज्यादा। तो जब भी हमें जरूरत से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तो नेचुरली बॉडी का उतना वेयर टेयर उतना ज्यादा जोर लगता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में सबसे पहले प्रिवेंशन पे, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो प्रिवेंशन में ये सब चीजें पहले बोली गई हैं कि अगर आपको चार चपाती की भूख है तो आपने तीन चपाती ही खानी है, आपने एक चपाती नहीं खानी, क्योंकि हमें मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 1/3 आपको पेट खाली होना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी आपको लगती है उसमें से 1/3 आपको पेट खाली रखना चाहिए फॉर द बेटर मूवमेंट एंड द एसिमिलेशन। तो ये एक पार्ट आ जाता है यहाँ पे स्टमक का। फिर स्टमक यहाँ पे हमारा रेड, क्योंकि मेन पार्ट ही एसिडिटी हो गई, हार्ट बर्न हो गया। अब इसी के ऊपर आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन में मैंने हार्ट शो किया हुआ है, स्टमक के साथ बिल्कुल लगता हुआ हमारा हार्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि एक तो HCl है उसके ऊपर कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो हीट जनरेट होती है, तो जब हमें एफर्ट करना पड़ता है तो यहाँ पे हीट जनरेट जब होती है तो हीट जनरेट जब तो उससे हमें यहाँ पे जलन की वेदना होनी शुरू हो जाती है, जलन की अनुभूति जब होती है तो हमें लगता है कि हमारा हार्ट जल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हार्ट बर्न जो है वो लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, बट वो हार्ट अटैक नहीं होता है, वो एक अनुभूति होती है, वो हमारे हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है ये बताने के लिए कि मेरी जैसे जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी मशीन हम लोग जरूरत से ज्यादा चला लेते हैं तो उससे हीट की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो सेम वे हमारी बॉडी भी, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन्स है तो वो भी ऐसे हमें एक सिम्टम देती है कि जरूरत से ज्यादा हो गया है मेरा एक्सर्शन। तो बॉडी का अपना तरीका है आपको सचेत करने का है कि प्लीज इसको यहीं पे रोकिए। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जब भी बताऊंगी आप देखेंगे कि हर स्टेप पे हमारी बॉडी हमें सावधान करती है, बट हम लोग जब उसको ओवरलुक करते रहते हैं, हम उसकी बात के नहीं परवाह करते, तो हम लोग कैसे कैसे आगे जाके बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो वन पार्ट आ गया कि अगर हमने खाना ज्यादा खा गया तो वापस जब जाना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, जिसमें खट्टे खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं, रिगर्जिटेशन होती है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे एसिडिटी के साथ साथ ही जो आप हम लोग बोलते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो गए, अल्सरेशन फॉर्म हो जाती है, क्योंकि ये जहां पे जो भी अपना एसिड होता है वो जब वापस रिफ्लेक्स उसका वापस जाता है और गले तक आता है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं खट्टे डकार आते हैं, क्योंकि उसमें एसिड होता है इसलिए खट्टा होता है। अब रेगुलर अगर उसकी मूवमेंट रहती है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईसोफेगस का म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है कि हाँ खाना अच्छी तरह से नीचे तक जाता जाए, तो वहां पे वो जख्म कर देता है जो अल्सर फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं। तो जितने भी आप देखेंगे जो भी हम लोग एंटासिड्स वगैरह लेते हैं वो यहीं पे इसी को शांत करने का काम करते हैं, वो इसमें एल्कली बेस्ड होते हैं, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि एसिडिटी हमें नहीं फील हो। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए कि एंटासिड लेने की बजाय हमें खाने में ध्यान देना चाहिए कि हमें खाना थोड़ा सा
कम खाना चाहिए और ठीक टाइम पे खाना चाहिए। तो यहाँ पे जब स्टमक का काम हुआ, स्टमक से फूड ड्यूडेनम में पास हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्टमक की हमारी रचना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टमक की बैक साइड पे हमें दिखता है ये पैनक्रियाज है। तो देखेंगे कि जब स्टमक जब इफेक्ट हो जाता है तो उस और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल दो चीजें हम लोग बताते हैं डायबिटीज के लिए। तो यहाँ पे डायबिटीज कैसे होती है, एक तो स्टमक भरा होगा और उसपे पीछे उसके पैनक्रियाज रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पे पैनक्रियाज रहता है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है इसकी जो इसको खून सप्लाई करती है। तो यहाँ देखेंगे कि इस पे जब प्रेशर ये जब फैलेगा तो नेचुरल पैनक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा। और जब हम लोग बैठ के, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, तो जब हम लोग ज्यादा देर बैठ के काम करते हैं, एक तो हमारा ब्रेन यूज होता है कंप्यूटर्स पे काम करने में, बैठने से ये पैनक्रियाज इस पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। इस पे प्रेशर जब रेगुलर पड़ता रहता है तो ये अपना काम करना कम कर देता है, जिससे हम लोग डायबिटिक हो जाते हैं। तो डायबिटिक होने से पहले स्टेज जो आती है प्री डायबिटिक। लोग बोलते हैं कि कैसे पता चलता है कि हम लोग डायबिटिक होने की कगार पे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी आपकी एसिमिलेशन स्लो कर देती है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये सारी चीजें आप धीरे 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 कम हो रही हैं, तो वी आर गोइंग टू बी डायबिटिक, क्योंकि बॉडी में फैट बढ़ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड अदरवाइज एज ए गुड लिपिड, जब वो मात्रा में बढ़ता जाता है तो वो क्योंकि इतना फाइन होता जाता है कि वो कैपिलरीज और आर्टरीज वगैरह पे पास होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द स्टमक, आप देख सकते हैं म्यूकोजल उसकी लाइनिंग जो होती है, यहां से ये इसको प्रोटेक्ट करके इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये सारा इसको इतनी हार्ड दिखाई हुई है कि सो दैट ये इसको जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब एसिड से काम करना है तो भगवान ने इसकी लेयरिंग ऐसी करी हुई है सो दैट ये खुद बर्न नहीं हो। आप देखोगे कि थोड़ा सा भी बाहर आता है, हमारे गले में आता है, तो वो कितना कड़वा होता है। तो अगर वो इतना ही कड़वा स्टमक में होगा तो स्टमक बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आ जाएगा। जब वो चीजें ज्यादा होती हैं तब स्टमक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, या उसके बाद आ जाती है ड्यूडिनम जो होती है, ड्यूडिनम से पास होता है। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का वो फर्स्ट पार्ट, उसके बाद खाना यहाँ पे जाता है। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं कि ये जो खाना यहाँ से निकला ड्यूडिनम में जाता है तो वहां पे लिवर, गॉलब्लैडर और पैनक्रियाज के रोल क्या रहते हैं, वो कैसे उसको सिमुलेट करते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड टेकिंग इट।